चलिए तो फिर शुरू करते हैं तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं धनश्री इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को इनकी जो करेंट प्राइस चल रही है वो चल रही है वन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट वन जीरो रुपीज़ की और बुक वैल्यू जो है फोर थाउजेंड फोर्टी रुपीज़ की है ये जो कंपनी है ये नाइनटीन नाइनटी सेवन में इनकॉर्पोरेट हुई थी धनश्री इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी है आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड है एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर चलिए तो फिर अपन देखते हैं अभी इनके अपन मैक्स चार्ट को देख लेते हैं सबसे पहले मैक्स चार्ट को देखें तो अभी अपने मैक्स को टच किया हुआ है और अच्छी खासी रैली इसके साथ में ये जो स्टॉक है उसने अपना मैक्स टाइम मैक्स अभी टच किया है चलिए देखते हैं प्रोज एंड कौन से वाले बुरी खबरें देख लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी लो है टेन पॉइंट एट परसेंट की लास्ट थ्री ईयर्स है और अर्निंग्स में अदर इनकम इंक्लूडेड है थ्री हंड्रेड सिक्स करोड़ की प्रोज की बात करें तो स्टॉक जो है अभी जीरो पॉइंट थ्री जीरो टाइम्स चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से कंपनी ने जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी दिखाई है ट्वेंटी फोर पॉइंट टू परसेंट की लास्ट लास्ट से, है, से. का गया जो बोलते है अपन, ये वो. और उसके बाद में क्वार्टरली बेसिस पे तो लगातार दिखा रही है इस बार जो इनको सेवेंटी नाइन करोड़ का फायदा हुआ है उसके पहले फोर्टी वन करोड़ का फायदा हुआ था तो लगातार हर क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने अब अगर इधर देखें तो ओवरऑल क्वार्टरली बेसिस पे इन्होंने जो लास्ट लॉस देखा था वो 2016 में देखा था उसके बाद से लगातार प्रॉफिट्स में है अभी जो है इनका प्रॉफिट ओवरऑल 528 करोड़ का है जो पिछले साल 320 करोड़ से बढ़ करके अच्छा खासा जंप हुआ है 528 करोड़ का इस साल का इनका प्रॉफिट है और इसमें वन का डिविडेंड भी पे किया है इन्होंने तो खैर और देखते हैं चलिए कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है टू हंड्रेड ट्वेंटी थ्री करोड़ का उसके पहले थर्टीन करोड़ था उससे काफी बड़ा जंप है 223 है करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो इस बार इनका और देखते हैं चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है शेयर होल्डिंग पैटर्न तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन फाइव उतने का उतना ही प्रमोटर होल्डिंग है जीरो पॉइंट जीरो नाइन परसेंट की एफ आई आईस की होल्डिंग है जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट की डी आई आई एस होल्डिंग है और पब्लिक होल्डिंग जो है ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन जीरो की है अब चलिए देखते हैं चार्ट पे तो कैश में किसी तरह की कोई एंट्री बनती है चलते हैं फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पर और फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे क्योंकि अगर अपन यहाँ इनके देखें सबसे पहले थोड़ा सा वीकली देख लेते हैं लॉन्ग टर्म में वीकली में अपन देख सकते हैं अच्छी खासी रैली इसकी है इस स्टॉक ने अगर अपन लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में देखें जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन से अगर उस समय किसी ने बाइंग की होती या की होगी किसी ने तो ये स्टॉक जो है डबल से भी ज़्यादा हो चुका है ऑलमोस्ट कम से कम आप डबल तो मान ही सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहाँ पे रैली हुई है और ये सिर्फ दो तीन साल तीन साल के अंदर अंदर है जो कि अच्छे अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न है बट खैर अपन आगे का देखते हैं आगे के लिए व्यू बनाते हैं इसमें क्या किया जा सकता है अभी तो इसने इतनी सारी रैली ले ली है जैसा हमारा हमेशा व्यू होता है कि जब अच्छा खासा रैली ले चुका हो स्टॉक तो थोड़ा सा केयरफुली एंटर करना सही होता है तो अभी के लिए तो इसमें जो व्यू बन रहा है वो है 1223 के ऊपर ही हम किसी भी तरह की अपने लिए कोई बाइंग कंसिडर करेंगे उसके पहले तो यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी हमको दिख नहीं रही है क्योंकि ऑलरेडी कोई अपने पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है मगर उसके बाद भी रेफरेंस पॉइंट के बाद भी अपन ये मान के चल सकते हैं कि कम से कम वन के बाद अगर, अगर अपसाइड जाता है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है बस इसमें जो है क्वांटिटी कम रहे लेकर के चलेंगे और पांच मिनट पर ट्रेल करते हुए चलना सही होगा स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे और अपनी पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखेंगे तो बस इसमें इतना ही है फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से ओके okay.